ड्रिंक की हुई है ड्रिंक लगा तो ड्रिंक करके बदतमीजी कर रहा है लेडीज के साथ भाई साहब इन्हें ले जाओ भाई साहब इन्हें ले जाओ अरे सुन ले लेके जाओ ना ये देखो अब हमारे ऊपर चार चार बारी पुलिस की छवि को खराब कर रहा है तो क्या पुलिस इस पे किस तरह का एक्शन लेने जा रही है? एक पहले भी मेडिकल में किया था, क्या इनकी वर्दी को कुछ अलग अलग किया जाए कि जिससे डिटर्मिनेशन हो सके? देखिए ये दुखद है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ एक होमगार्ड के द्वारा एक कृत हुआ जिस कृत को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और विभाग की छवि काफ़ी धूमिल हुई थी। आजकल में किसी तरह की वीडियो हम लोग के सामने लाई गई है, पता करने पर पता चला कि उसमें भी जो एक व्यक्ति यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसके पास एक असलाह भी है और वो संभवतः नशे में ऐसा बिहेवियर दिख कर रहा है जिससे लग रहा है कि वो नशे में है। और अभी पता किया गया है तो वो टीपी नगर थाने पर तैनात एक होमगार्ड का ही जवान है और उसने अपने ड्यूटी से उसको जब वापस भेजा गया उसके बाद वो असलाह लेकर के कहाँ गया और किस जगह पे जाके उसने इस तरह का बर्ताव किया है इसकी जांच कराई जा रही है। और हम लोग अभी तत्काल इसका नाम पता हमारे पास आ गया है, हम लोग इसकी जानकारी रिपोर्ट के तौर पर हम होमगार्ड कमांडेंट को भेज रहे हैं और वहाँ इंस्पेक्टर रैंक उनके द्वारा इसके खिलाफ एक्शन लिया। सर एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि ड्यूटी से इसको मतलब भेज दिया गया उसके बाद इसके पास हथियार था जो ये नहीं रख सकता इंसास, ये कितनी बड़ी आपकी चूक? नहीं, ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति के साथ जिस कांस्टेबल के साथ इसकी ड्यूटी थी उसने किसी कारण से इसको ये कहा कि तुम ये असलाह लेकर के थाने पर जाओ और असलाह वहाँ जमा कर दो, उसके बाद तुम ऑफ ड्यूटी चले जाओ, 8 बजे की बात है जब ड्यूटी चेंज होती है। ये वहाँ से हमको लगता है कि असलाह लेकर के वहाँ नहीं गया थाने पर और उसके बाद इसने रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ा होकर के इस तरह का कृत्य किया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम लोग को हो गई है, हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसमें रिपोर्ट लेकर के इसके खिलाफ कार्रवाई करें।